अब ये पूरा जहर अपने सौतेले बेटे को पियाऊंगी और अब पूरा संपत्ति तुम्हारे नाम कराऊंगी। अरे ये लोग तो बड़े साहब को जहर देकर मारने की बात कर रहे हैं, मुझे बड़े साहब को बचाना होगा। क्या बात है गीता, बोलो। साहब आपके सौतेला भाई और सौतेली माँ आपको जहर देकर मारना चाहते हैं, आप थोड़ा बचकर रहिएगा। तेरा ये मजाक कि तू माँ बेटा के अंदर दरार डालना चाहती है, चल निकल यहाँ से। माँ माँ। क्या है बेटा? माँ मैं 10 दिनों के लिए पटना जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बोल दो। रुको बेटा, थोड़ा दही गुड़ खा के जाओ, इस दही में जहर मिला देती हूँ, खाएगा मर जाएगा। बेटा ये लो दही गुड़ खा लो। रुकिए माली के, दही मत खाइए। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये दही पहले आप अपने माँ को बोलिए खाने के लिए, उसके बाद आप खाइएगा। माँ ये दिमाग खराब करके रख दिए, तुम इसके सामने एक चम्मच खा के दिखा दो। नहीं नहीं बेटा मैं दही नहीं खाऊंगी। अरे माँ मैं तो तुझे अपना माँ समझता था, लेकिन तू माँ कहने लायक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। गीता मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना सोचे समझे किसी को गलत नहीं समझना चाहिए।